हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे और बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोग शुरू से लास्ट तक देखोगे तब तो उसमें समझ में आएगा और इसको अपन बढ़िया से समझाएंगे आप ज़रूर समझ जाओगे मेरा विश्वास है और एक रिक्वेस्ट आप लोग को है आप इसको एक बार मेरा चैनल देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो मेरा व्यूअर तो बराबर बढ़ रहा है लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे उतना तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोग देखने के बाद जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ठीक है अब टॉपिक चालू करते हैं आज का टॉपिक है डिपोजिशन पहले समझिए डिपोजिशन क्या चीज़ है डिपोजिशन ये होता है जैसे अपन पलिस्टर का अपनी डाई है उसमें डाई करते उसमें डाई करने का बाद प्रोसेस में जब चलाते हैं रूम का ड्राइंग हो के रिम फ्रिम होकर जाता है हर स्टेज में डाई का माइक्रो पार्टिकल होता है जो होता है माइक्रो मलिकुलर पार्टिकल जो होता है वो पाउडर की फॉर्म में गिरता है हर स्टेज में और इसको अपन अगर सफाई करेंगे नहीं हर स्टेज से वो क्या जो डिपोजिशन बोलते हैं जिसको वो बहुत स्टिकी नेचर का होता है मशीन का ऊपर पूरा चिपक के रहता है जब चिपक के रहेगा उसी का ऊपर मटेरियल जाएगा वो मटेरियल को बीच बीच में नोचेगा नोचेगा तो उसमें फ्लाई जेनरेशन होता है और फ्लाई जेनरेशन होता है वो फिर मटेरियल का उस्टर बढ़ता है थिक थिन बढ़ता है ब्रेकेज बढ़ता है सब बीमारी उसमें आता है तो इसको अपन कैसे बढ़िया तरीके से हर स्टेज में साफ करके चलेंगे तब उसका अच्छा रिजल्ट आएगा इसके लिए हम आपको आज समझाएंगे टॉपिक के माध्यम से सबसे पहले देखिए डिपोजिशन क्या चीज़ मैंने बता दिया माइक्रो मलिकुलर डाइज मतलब डाई का अंदर से छोटा छोटा पार्टिकल प्रोसेस में जो गिरता है पाउडर जैसा रहता है रेत जैसा रहता है रेतीला भी दिखता है वो सब चीज़ है सबसे पहले देखिए केस ऑफ ओन डायर पलिस्टर प्रोसेस ये सिर्फ ओन डाइट परिस्टर में आता है डोप डाइट में बिल्कुल नहीं आता इसीलिए हर कंपनी चाहता है हर कंपनी चाहता है कि हम डोप डाइट चला ले आराम रहेगा लेकिन आराम क्या रहेगा डोप डाइट चलाएंगे उसमें आपको कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा आपको उसमें मुनाफा नहीं मिलेगा अगर ओन डाइट चलाते तो डिपोजिशन का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे तो ये ओन डाइट फाइबर में अपन जब चलाते हैं बहुत बढ़िया मार्जिन देता है इसलिए जो अच्छा कंपनी जिसका टीम मजबूत है वैसे कंपनी ओन डाइड चलाता है और ये देखिए ओन डाइड में लिए चलाए अपन और उसमें आपको बताया गया पार्टिकल्स ऑफ डाइज स्टीक एंड पैसेज ऑफ मशीन मशीन का जो पैसेज है जैसे अपना कार्डिंग का क्रॉस रोल में है ट्रम्पेट में है ड्राइंग में फिट टेबल में है स्लाइवर फनल है, है टॉप रोल है ये जो प्रोसेस का जो जिसका ऊपर मेटल गुजरता है हर जगह वो स्टिक हो जाता है मतलब चिपक जाता है इसको अपन हर प्रोसेस में इसको क्लियर करेंगे अच्छा मोर ऑफ डाई मोर द डिपोजिशन। डाई का मात्रा अपना जिसमें ज्यादा है जैसे अपन सलिड डाई चलाते हैं हंड्रेड परसेंट डाई तो उसमें नेचुरली डिपोजिशन बढ़ जाएगा समझ लो अपना ओल्ड डाइट पचास परसेंट डाले पचास परसेंट ग्रे डाले या पचास परसेंट डोप डाइट डाले तो उसमें थोड़ा डिपोजिशन कम हो जाएगा तो ओल्ड डाइट का परसेंटेज जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से डिपोजिशन बढ़ेगा इन डिपोजिशन पास थ्रू मटेरियल क्वालिटी प्रॉब्लम विल कम डिपोजिशन अगर स्लाइबर का अंदर या कोई भी मटेरियल रोबिंग का अंदर पास करके जाएगा तो उसमें क्या मतलब रेसा जैसे बाहर दिखता है फ्लाई जैसा दिखता है और क्वालिटी पूरा खराब करेगा तो ये अपन ये प्रोसेस समझाने का मतलब ये है डिपोजिशन हमको बिल्कुल रखना ही नहीं मटेरियल में उसके लिए अपन क्या क्या करेंगे उपाय वो बताएंगे आपको और तीसरा ये चीज़ देखिए जी डिपोजिशन मस्ट क्लियर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस अपन हर डिपार्टमेंट में जैसे ब्लोर में है कार्डिंग में है, ड्राइंग में है, हर स्टेज अपन डिपोजिशन क्लियर करते करते जाएंगे उसका उपाय क्या है मैं इसी में ही समझाऊंगा। पहले डिपोजिशन के बारे में आपको समझा दूँ और जो वाटर अपन यूज करेंगे डाई हाउस में जो ओल डाइट में वाटर यूज करेंगे उसमें आर ओ वाटर लेंगे या लो टी डी एस वाटर लेंगे लो टी डी एस वाटर क्या होता है वो तीस से पचास तक का टी रहेगा उसमें लेंगे पचास से ऊपर वाला पानी रिजेक्ट कर लेंगे जब तक टी डी सही नहीं होगा डाई नहीं करानी वो लो टी डी वाला सही रहता है ये डाई के लिए सही रहता है इन डोप डाइड नो डिपोजिशन कम बट कस्टलियर ये चीज बताया था आपको डोप डाइड चलाने में बड़ा आसान है टिकसान लोग जो होता है जो कभी कभी डोप डाइड बोलते हैं यार कौन इतना रिक्स लेता है डोप डाइड चला लेते हैं लेकिन ये डोप डाइड चलाने से क्या होता है मालिक लोग को ज्यादा नुकसान होता है मालिक लोग हमेशा चाहेंगे ओल्ड डाइट चलाओ और टेक्नशियल जो चाहता है कि डोप डाइट चलाए लेकिन जो अच्छा टेक्नशियर होता है उसी को बोला जाता है जो ओल्ड डाइट का चैलेंज ले चलाता है इट ड्रोप डायड नो डिपोजिशन कम बट कस्टलियर वही बात बता आपको कस्टलियर पड़ता है डैड। ओन डैड यान बेटर पर के जी केजी डायड यान जो होता है इसमें अपन प्रोसेस करेंगे अपना उसमें पर के जी जो मुनाफा होता है जो कंट्रीब्यूशन बोलते हैं वो नेट कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत बढ़िया आता है ओल में दैट्स वाई ऑल मिल्स इंटरेस्ट टू रन ओल डायड परिस्टर जो मिल का जो Uh, करता धरता मालिक लोग हैं इसीलिए इंटरेस्टेड रहते हैं ओल्ड नाइट चलाने में अभी हम बताने जा रहे हैं कि इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे डिपोजिशन वाला मैटर कैसे सॉल्व करेंगे जैसे कि डिपोजिशन के बारे में आप लोग को समझाया था उसके बाद डिपोजिशन अपन कैसे हर स्टेज में रिमूव करेंगे उसका हथियार क्या बताता हूँ सबसे पहले देखिए डिपोजिशन क्लियर करने का तीन चीज चाहिए कोई कोई पानी में इसको रुई गिला करके पानी में निचुड़ कर ले आता है गिला करके इसको साफ़ करता है रगड़ रगड़ के कोई सीटीसी का यूज करता है कोई पेट्रोल का यूज करता है तो मेरा हिसाब से सीटीसी या पेट्रोल बहुत बढ़िया होगा लेकिन पानी भी कोई कोई अगर नहीं मिले तो यूज़ कर लेगा कोई दिक्कत भी नहीं थोड़ा सूखने में टाइम लगता है सीटीसी पेट्रोल तुरंत सूख जाता है तो इसको कैसे कैसे अपन देखो क्लियर करते हैं जैसे ब्लोर में अपन चला है तो रूम में आप देखिए पियानो फीड का जो पेडल लिवर होता है पेडल लिवर पूरा स्टील का रहता है पूरा उसका स्मूथ रहता है उसमें पेडल लिवर में डिपोजिशन जमा होता है इसको आप शिप चेंज में एक बार जब लाइन सफ़ाई कर तो उसमें एक बार सफाई कर दीजिए या अगर चेंज पड़ गया चेंज के टाइम में सफाई कर दीजिए वो क्लियर हो जाएगा और कैलेंडर रोल भी वैसे ही रहता है रूम का जो लैब डिलीवरी में रहता है कैलेंडर रोल वो स्टील का रहता है और उसमें भी चिपकता है उसको भी बीच में गीला पानी लेके ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के साफ कर दीजिए या सीटीसी पेट्रोल से साफ़ कर दीजिए वो भी आपको मैंने वही चीज फ्रिक्वेंसी बताया शिफ्ट चेंज या चेंज की टाइम में या शिफ्ट में एक बार शिफ्ट में आठ घंटे में एक बार करो या अगर पहले चेंज पड़ गया चेंज में करा दीजिए लेकिन ये वो दोनों चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है ये क्या इनिशियल स्टेज है उसके बाद कार्डिंग में देखिए कार्डिंग में क्या होता है फीड रोल फीड प्लेट वो सबसे पीछे वाला जो पोर्शन होता है और डपर स्ट्रिपिंग और क्लीनिंग ये तीन चीज़ मैंने लिखा ये इसका फ्रिक्वेंसी चार घंटा होता है मतलब फेड प्लेट के ऊपर पूरा पाउडर जमा हो जाता है या क्रस रोल में हो जाता है या डफर स्ट्रिपिंग करना पड़ता है तो इसको चार घंटे में एक बार कर देंगे क्लियर हो जाएगा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कार्डिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है देखिए कार्डिंग का आपका टेबल कैलेंडर रोल उसका ट्रम्पेट जो कार्डिंग का स्लाइबर जैसे डफर से आया सबसे पहले टेबल कैलेंडर रोल में जाता है उसके सामने जो ट्रम्पेट रहता है ऐसे साइज का रहता है ट्रम्पेट देखिए ऐसे फनल जैसा रहता है यहाँ छेद रहता है यहाँ पास होता है स्लाइबर हाँ ये पूरा एरिया डिपोजिशन में भर जाता है अंदर का एरिया तो ट्रम्पेट बहुत बढ़िया से क्लियर करना पड़ता है और वो ट्रम्पेट जो लिखा और बाकी बाद में देखो कैरियर रोलर ट्रम्पेट के बाद आ गया गाइड पुली गाइड पुली जो रहता है प्लास्टिक का हल्का हल्का रोल जैसा रहता है जिसका ऊपर स्लाइबर अपन डाल देते हैं चलता रहता है गाइड पुली प्लास्टिक का उसमें भी चिपकता है और कायलर कायलर रोल कायलर ट्रम्पेट कायलर ट्यूब काय रोल और कायलर ट्रम्पेट वो भी सफ़ाई करना बढ़िया से और सफाई करने के बाद इसको बिल्कुल तुरंत चालू नहीं कर देना थोड़ी पाँच सात मिनट इसको ऐसे ही मशीन का ऊपर रख दो वो सूख जाएगा लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिए कार्डिंग का मेल एरिया जो होता है उसका कायला ट्यूब है कायला ट्यूब में क्या करते हैं हम ऐसे ही एक हेसियन क्लथ जो जूट का बोलते हैं ना जूट का एक ऐसे ही लंबी सी कपड़ा जैसे जूट का कपड़ा ले लेंगे और इसमें बीच बीच में अपन गांठ लगा देंगे ऐसे मोटा मोटा हो जाए वो जैसे गांठ वाला लगा दिए तो कैलर ट्यूब से कार्डिंग का जो ढक्कन उठा दीजिए कैलर ट्यूब में एक साइड से वो बोरा डालिए गांठ वाला बोरा दोनों हाथ में पकड़िए और नीचे का कार्डिंग का डिब्बा निकाल दीजिए और ऐसे ऐसे करके रगड़ने का चार पाँच बार सी सी लो पेट्रोल लो जो भी लो ऐसे ऐसे रगड़ने का और वो गांठ की जो टच करेगा ना ट्यूब को ये वाला गांठ तो वो डिपोजिशन सब क्लियर कर देगा और ये जो कार्डिंग का एरिया जितना भी दिया मैंने आगे का टेबल कैलेंडर रोल ट्रम्पेट गाइड पुली कैलर रोल कैलर ट्रम्पेट कैलर ट्यूब ये सब देखिए मैंने दिया एक घंटा से दो घंटा की फ्रिक्वेंसी जब ओल्ड डाइट चलेगा कभी कभी हंड्रेड परसेंट ओल्ड डाइट है तो इसको हर घंटे में सफाई करेंगे तो फायदा रहेगा अगर वो हंड्रेड परसेंट नहीं हो कि पचहत्तर परसेंट पचास परसेंट है कम डिपोजिट होता है तो दो दो घंटे में करें अगर पच्चीस परसेंट भी हो तो बिल्कुल कम आता है वो तीन चार घंटे में कर दोगे चल जाएगा लेकिन ये सफाई करना ज़रूरी है अगर सफाई नहीं करोगे ठीक से देखो कारीगर को आपने बोल दिया जॉबर को बोल दिया सुपरवाइज़र को बोल दिया फिर भी और लोग लापरवाही तो करते हैं तो उसको काउंटर चेक करने के लिए एस का बंदा जो इन्वेस्टिगेटर है इसको हर दो दो, दो घंटे का उसमें राउंड मारना वो देखना कहीं डिपोजिशन पास तो नहीं हो रहा है डिपोजिशन पास होने का एक ही उसका ये निकलेगा देखिए जैसे ऐसे स्लाइवर है ये स्लाइवर का बेस है मतलब ये उसका मटेरियल है स्लाइवर का उसमें अगर डिपोजिशन रहेगा ऐसे ऐसे रेशा निकलेगा फ्लाई फ्लाई रहेगा चारों तरफ चारों तरफ थोड़ा थोड़ा फ्लाई रहेगा अगर ऐसे फ्लाई आएगा आप दूर से देख सकते हो उसमें फ्लाई पास हो रहा है और अगर ऐसे स्टेज में क्या करोगे अगर आपको एक भी डिब्बा फ्लाई वाला मटेरियल मिला सबसे पहले वो फ्लाई वाला डिब्बा इसको तोड़ तोड़ के स्लाई टुकड़ा टुकड़ा करके इसको वापस मिक्सिंग में भेज देने का फ्लाई वाला एक भी डिब्बा भेजना और खीर का हंडी में मिट्टी का तेल डालना बराबर है वो पूरा क्वालिटी सत्यानाश कर देगा तो फ्लाई वाला डिब्बा एक भी जाना नहीं चाहिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा तो उसी हिसाब से आप उसको ऐसे फ्लाई वाला डिब्बा जो ऐसे ऐसे रेशा निकलेगा ध्यान रखना इसको ऐसे वाला रेशा निकलेगा तो वो वाला डिब्बा बिल्कुल अलाउ नहीं करनी चाहे एक डिब्बा हो दो डिब्बा हो फेंक देने का उसके बाद आया ड्रॉप पैम्प ड्रॉप एम्प देखिए ड्रॉप पैम्प में सफाई करने का एरिया बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ड्रॉप पैम्प में नुकसान होता है देखिए ये ब्रेकर प्रिंस दोनों में ले लिया दोनों जगह आपको सफाई करनी सबसे ये हो गया कैरियर रोलर जो स्टील वाला रहता है रोलर जिसका अंदर से स्लाइबर जाता है और क्रील स्लाइबर फनल क्रील का अंदर जो स्लाइबर जैसे अपन टॉप रोल जो कैरियर रोल ऐसे रहता है ना दो रहता है उसका अंदर जैसे अपन स्लाइबर डालते हैं ऐसे ऐसे डालते हैं उसका अंदर ऐसे फनल जैसा रहता है फनल के ऊपर जाता है एक गाइड रहता है गाइड का ऊपर जाता है तो स्लाइवर फनल और गाइड और कैरियर रोल ये तीनों सफाई करनी है चाहे कारीगर को बोलो बंद कर दे आधा घंटा लेकिन बहुत बढ़िया सफाई करना जरूरी है उसके बाद हो गया फीड टेबल और स्लाइबर कंडेंसिंग गाइड फीड टेबल कौन सा होता है जैसे कैरियर रोल से ऊपर अपन मटेरियल आ गया उसका जो फीड टेबल रहता है लंबा सा जिसमें अपन छः डिब्बा लगाते हैं आठ लगाते लंबा रहता है उसका अंदर भी पाउडर जमा रहता है उसको भी बढ़िया से सफाई करनी है उसके बाद फिर टेबल सफाई करने के बाद उसके बाद जैसे अपन आठ स्लाइबर लिए तो स्लाइबर कंडेंसिंग जो गाइड रहता है वो कम ज़्यादा करते हैं स्लाइबर बल्कि है तो थोड़ा बढ़ा दो कम है तो क्लोज कर दो वो गाइड भी चिपक जाता है और उसमें रॉड भी लगता है जैसे प्रेशर बार रहता है और वो स्लाइबर ऐसे ऊपर नीचे करके डालते हैं वो वाला सब रहता है जो गाइड वगैरह ये सारी सब साफ करनी है कंडेंसिंग <coughs> गाइड हो गया बॉटम रोल टॉप रोल्स बॉटम रोल टॉप रोल भी बराबर सफाई करना जरूरी है टाइम टू टाइम जब अपन आधा घंटा बंद करेंगे ना सारी चीज़ सफाई हो जाना चाहिए तब जाकर ठीक रहेगा बॉटम रोल टॉप रोल गया स्लाइबर डिलीवरी फनल स्लाइबर जो अपन कैन के अंदर जाता है उससे पहले फ्रंट रोल से निकलता है ऐसे रहता है जो फनल रहता है इसके अंदर फ्रिज से आके कंडेंस होकर स्लाइबर बनता है वो वाला उसका उसका है? अंदर का साइड अंदर का साइड पूरा भरा रहता है से इसको सफाई करना है और उसके बाद स्लाइबर फनल के बाद हो गया अराउंड स्कैनिंग रोल स्कैनिंग रोल के आजू बाजू में भी उसका पूरा पाउडर जमा रहता है फिर मटेरियल के साथ जाता है तो स्कैनिंग रोल के आजू बाजू में भी सफाई करना है, काइलर ट्रम्पेट काइलर ट्यूब्स काइलर का जो ट्रम्पेट रहता है जिसका अंदर अपन स्लाइवर पीसिंग करके डाल देते हैं काइलर ट्रम्पेट में और उसका बाद काइलर ट्यूब होके कैन के अंदर जाता है तो उस क्या करना है काइलर ट्रम्पेट भी साफ करना है और एक ट्यूब रहता है जो बोलते स्लाइवर ट्यूब स्लाइवर ट्यूब पाइप जैसा रहता है इतना स्टील का ही वो उसको भी अंदर से सफाई करना पड़ता है और कायलर जब सफाई करेंगे वही फार्मूला कार्डिंग का केस में जो बताया था डिब्बा हटा देने का और वो वाला बोरा से फाड़ के ले लेना ले ले, इसमें गांठ लगा के पेट्रोल या सी टी सी लगा के दोनों हाथ में जैसे मैंने बताया था ना ऐसे बोरा डाल दिया तोड़ के और इसमें गांठ लगा दिया और सी टी सी या पेट्रोल ले लिया ऐसे दोनों हाथ में ऐसे ऐसे -एस करके रगड़ लेगा ऐसे एस करके आठ दस बार रगड़ देने का सब डिपोजिशन निकल जाएगा उसके बाद में स्लाइबर डिपोजिशन निकल जाएगा फिर भी अपन को जब फिनिशर डिब्बा निकलेगा उसमें बहुत बारीक से देखना पड़ेगा कोई फ्लाई तो नहीं आ रहा है फ्लाई ज़्यादा आएगा ओस्टर भी बढ़ जाएगा और उसमें मालूम पड़ जाएगा ओस्टर बढ़ जाएगा कट आएगा और ऐसे डिब्बा बिल्कुल आगे जाने नहीं देना वही कार्डिंग स्टेज में जैसे बताया था ऐसे ही इसका मटेरियल भी आपको तोड़ तोड़ के Mixing में वापस दे दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट अपन ड्राइंग तक समझा दिए थे अभी सिंपलेस का देखिए सिंपलेस का अपन समझा रहे और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज सबसे मेजर चीज़ ये देखिए ये जो अपन मैंने ये राउंड मारा ड्रॉप पे सिम्प्लेक्स और रिमप्रेम अपन जब भी ओन डाइड पलिस्टर चलाने जाएंगे उससे पहले लिक्विड मिक्स वाला टॉप रोल यूज करें चाहे ड्राइंग में ब्रेकर में हो फिनिशर में हो सिंप्लेक्स में हो या रिमप्रेम में हो उसमें लिक्विड मिक्स वाला रोल यूज करने से क्या होता है जो उसका जो डिपोजिशन जो स्टिकी नेचर है जो चिपकता है उसमें लिक्विड मिक्स वाला में चिपकेगा नहीं कम से कम चिपकेगा चिपकेगा लेकिन कम से कम चिपकेगा तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको आप नोट करके रखिए उसके बाद देखिए स्टार रोल ऑफ क्रिल क्रिल का अपन जैसे डिब्बा से स्लाइबर उठाता है ऐसे क्रील का ऊपर जाता है ड्राफ्टिंग जोर पे जो स्टार रोल रहता है ना जिसको अपन स्लाइबर खींच के लेता है स्टार रोलर को सफाई करना है और वो गाइड पुलिस वो गाइड पुली जिसका ऊपर स्लाइबर डाल के अपन स्टार रोलर के थ्रू आगे जाता है प्लास्टिक का गाइड पुली होता है वो स्टार रोलर होता है और क्रिल राड वो राड में जैसे अप डाउन करने के लिए बीच में स्टील वाला राड रहता है इसको सब चीज़ सफाई करना है उसका फ्रिक्वेंसी मैंने दिया लाटचेंड क्लिनिक और चौबीस घंटा अगर लाटचेंद क्लिनिक पड़ गया बीच में तो उस टाइम करवा दीजिए नहीं तो 24 घंटे में एक बार कराना ज़रूरी है वो इसको बढ़िया से सफाई करें चाहे आपको हर बार बताए पानी हो पेट्रोल हो सिटी से हो तीन चीज़ किसी में भी आपको सूट करता है सफाई करना जरूरी है उसके बाद देखिए टॉप रोल क्लीनिंग ड्राफ्टिंग जोन क्लीनिंग बाय बटल ब्रश ये दो चीज़ जो लिखा है ड्रफ्टिंग जोन जैसे अपन सिंपल के ड्रफ्टिंग जोन में बहुत ज़्यादा डिपोजिशन जमा होता है इसको हर चार घंटे में जो बटन ब्रश होता है ऐसे रगड़ रगड़ के साफ करके इसको चला देना ज़रूरी है साफ़ करके उड़ा देंगे तब तो क्लियर हो जाएगा उसके बाद देखिए फ्लायर ट्यूब्स क्लीनिंग फ्लायर ट्यूब भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपन दिखता तो नहीं अंदर कितना डिपोजिशन है तो फ्लायर ट्यूब का अंदर डिपोजिशन रहेगा ना वो रोबिंग जब आएगा वो रुक रुक के आएगा और बल्कि रोबिंग होगा बल्कि रोबिंग मतलब समझ लीजिए अपन वन हैंग रखे स्टैंडर्ड वन हैंग जगह वो आ जाएगा वन पॉइंट थ्री वन पॉइंट फोर ऐसे ही हल्का आ जाता है क्योंकि स्लाइबर रुक रुक के आता है तो फ्लायर ट्यूब को सफाई करना जरूरी है और उसमें कैसे करेंगे जैसे कक्वानट रस्सी होता है ना नारियल का जो रस्सी बनता है उसमें बीच बीच में जैसे एक मीटर ले लिया तो बीच बीच में गांठ लगा देने का इसको वो उसमें सी सी पेट्रोल कुछ भी हो डुबा देनेगा और जैसे कैलर अपन साफ किए थे ना ऐसे ही इसमें एक साइड पे डाल के ऐसे ऐसे घिस घिस के वो रोबिंग का जो पाथ है ना फ्लायर का अंदर का इसको बढ़िया से क्लियर करना पड़ता है तब तो वो सफाई होता है अगर उसमें जो बोला ना आपको फाइन रैपिंग निकल जाता है अगर कायलर ट्यूब साफ नहीं होता ऐसे ही फल्ट टूस्टर भी अगर सफाई नहीं रहेगा या कटा हुआ रहेगा उसमें भी फाइन रैपिंग निकल जाएगा तो इसको ओवरकम करने के लिए अपन को कालर जो फ्लायर का कोयलर है वो जो उसका ट्यूब है फ्लायर ट्यूब सफाई करना है और फल टूस्टर सफाई करना है फिर भी अगर कवर नहीं होता हमको कभी कभी टी भी बढ़ाना पड़ता है समझ लीजिए अपन वन हैंग के लिए अपन रखें टीपीआई समझ लो पॉइंट एट फाइव रखें एग्जाम्पल ये टी पी आई रखें कभी कभी अपन को वन तक भी जाना पड़ेगा टी पी आई उसमें क्या टी पी आई बढ़ा देने दे से चल जाता है टी पी आई कम रहता है पूरा बल्कि मटेरियल रहता है फाइन रैपिंग आता है तो ये दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा ज्यादा दिक्कत जाता है सिंपलेस केस में अगर फ्लायर ट्यूब का सफाई नहीं करे या फर्स्ट टूस्टर सफाई नहीं करे इसको बहुत ध्यान दे चलानी पड़ती नेक्स्ट पॉइंट अभी अपन सिम्प्लेक्स तक गए थे रिम फ्रेम में देखिए अपन सबसे पहला मैंने लिखा इसका ड्रॉप जोन जो होता है ना रिम फ्रेम का ड्रॉप जोन में बहुत ज़्यादा डिपोजिशन गिरता है उसमें सबसे पहले तो ड्रॉप जोन एनी टाइम कारीगर को बोल के सफाई रखेगा और रोलर नेक बाय पेंटिंग ब्रश जो पेंटिंग ब्रश होता है रोलर नेक पे जमा होता है फ्लाई उसको सफाई करना पेडस्टाल के अंदर ड्रॉपिंग जोन के नीचे पेडाल में जमा होता है सफाई करने का और ये कारीगर का जो सिप चेन में एक बार आठ घंटे में सफाई करें या अगर लड़सें पड़ जाता है उस टाइम सफाई करें कुल मिला के जितना रिम फ्रेम सफाई रखेगा उसी हिसाब से बढ़िया रहेगा और उसके अलावा देखिए रिम फ्रेम में अपन और दो तीन चीज़ लिखें अपरन वॉशिंग जो टॉप रोल होता है बॉटम रोल होता है जब आप ओल डाइड पलिस्टर चलाते हो उसका अपन बीच में बीच में जैसे अपन ओल लेने जा रहे हैं तो ऑपरन को वॉशिंग करके डालेंगे सर्प पाउडर लेके इसको वॉशिंग करके डालेंगे वॉशिंग करके सुखा के कर डालेंगे और देखिए कार्ड्स बफिंग एंड लिकु मिक्स और अपना जैसे नया माल चालू करने जा रहे हैं इसको अपन कार्ड्स बफिंग और लिक्यू मिक्स इनिशियल स्टेज में है वॉशिंग जो पता है इसका तीन से चार दिन के अंदर अगर आप अपन वॉशिंग कर दोगे तीन चार दिन तक खराब नहीं होता है, तीन चार दिन तक भी चलता है और लेकिन बॉफिंग और लिक्वमिक्स इनिशियल स्टेज जब भी ऑनलाइन लेने जा रहे हैं उससे पहले दोनों काम कर देंगे बॉफिंग कर देंगे लिक्व कर देंगे तो बढ़िया चलेगा और टी में इनक्रीज मतलब कभी अपना वर्किंग खराब रहा ना ऑनलाइन में अपन कभी कभी एक दो स्टेप टी बढ़ा सकते हैं वर्किंग सही करने के लिए वो इमरजेंसी केस में बढ़ाते हैं कोई ये मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है बिल्कुल ख़राब चलेगा तो बढ़ा सकते हैं फिर ऑटोपर में देखिए ड्रम क्लीनिंग जो ड्रम में ग्रुप होता है ना ग्रुप में स्टील रोल जो होता है ड्रम वाला उसमें चिपकता है उसमें सबसे बढ़िया तरीका है एल पट्टी थोड़ा पानी में डाल के ले लीजिए वो इसको रुई डुबा के हाड़ोस डुबा के ऐसे ड्रम का ऊपर जैसे ड्रम रहता है ना ऐसे ड्रम ऐसे ऐसे ग्रुप रहता है इसका ऊपर पूरा सफाई करिए और उसका सफ़ाई का मैंने दिया देखो चौबीस घंटा कम से कम सुबह सुबह एक बार जैसे मेंटेनेंस वाला आते हैं अपन एक बार मशीन बंद कर दिए ड्रम के ऊपर वो बढ़िया से सफाई कर देंगे एल बी फर्टी ले कर वो बढ़िया साफ हो जाएगा फिर चालू करेंगे उसके बाद यान पाथ बाई जंक्सन बर्ड जो यान का गेज होता है जहाँ पे अपन ऑटोकॉल में यान पास करता है जिसका थ्रू इसको जंक्शन बॉर्ड में हर चार घंटे में एक बार सफाई करना ज़रूरी है एक बार तो हवा मार के सफाई करेंगे ज़्यादा डिपोजिशन है चार घंटे में करना पड़ेगा नहीं तो आठ घंटे में भी करो या सीट चेंज में करो लेकिन सफ़ाई होना जरूरी है और इसको डिपोजिशन पकड़ने का सबसे बढ़िया तरीका बता देता आपको नेक्स्ट अपन जैसे ऑटो ऑटोकॉनर तक समझा दिए सबसे और एक बढ़िया तरीका हाँ देखिए अपन हर स्टेज का उस्ट्रा चेक करेंगे कार्डिंग का उस्टा जैसे अपन स्लाइबर कोई डाउटफुल लगा जैसे कोई फ्लाई जैसे आ रहा है, लग रहा है या कट आ रहा है तो इसका उस्ट्रा चेक करेंगे कार्डिंग का स्लाइबर फोर टू फाइव तक रहना चाहिए उसटा और अपन इधर रपिंग एक स्टैंडर्ड रपिंग पकड़े हैं जैसे तीस काउंट है या चालीस काउंट है एक सौ बीस से एक चालीस तक ऐसे में उस्टर अपन चार से पाँच तक होना चाहिए ऐसे ही ब्रेकर से तीन से साढ़े तीन है हेनिसर में दो से ढाई है सिम्पलेस में थ्री पॉइंट फाइव से पाँच है ये अगर उष्टर अपन हर स्टेज में चेक करेंगे समझ लो कोई डिब्बा खराब निकला कभी कट निकला तो डिब्बा अपन हाथों हाथ पीछे भेज सकते हैं फिर से मिक्सिंग में डल जाएगा लेकिन ओल्ड एड केस में कभी रिक्स नहीं लेना बार बार मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ फ्लाई वाला डिब्बा बिल्कुल आगे जाना नहीं चाहिए फ्लाई वाला डिब्बा अगर आगे, आगे मटेरियल के साथ जाएगा उसमें ये दिक्कत जाएगा उसके बाद सिम्पलेस में एक चीज़ आप और मार्क करना जैसे सिम्पले सिम्पलेस में आपकी चालू है तो सिम्पलेस की एक एंड में आप खड़ा हो जाना जो स्ला निकलता है फल स्टूस्टर होके जाता है बविन के पास तो उसमें देखना कभी कभी गांठे जैसा मोटा मोटा स्लब जैसा दिख सकता है वो ऐसे केस में अगर फ्लाई आता है फ्लाई लपेट का आएगा या एक साथ फ्लाई कहीं रुकेगा जैसे अंडर क्लियरर है उसमें कभी कभी डिपोजिशन रुकता है फिर फ्लाई के साथ आ जाता है तो अंडर क्लियर में रुकता है तो मालूम पड़ेगा कैसे बाहर खड़ा हो इसको देखने का अगर फ्लाई चिपक के आता है वो डिब्बा हाथों हाथ वाथ हटा देने का इसको डिस्पोज कर दीजिएगा मिक्सी में भेज दीजिएगा बिल्कुल उसको रिक्स नहीं लेने का तो आज का ये चैप्टर कैसा लगा आपकी ये टॉपिक कैसा लगा आप लोग का फीडबैक बहुत ज़रूरी है आप लोग जितना फीडबैक दोगे मैं उतना आगे और बताता रहूँगा और ये तो जस्ट अपना शुरुआत है हम आगे बहुत सारी क्लासेस लेने वाले हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग को ये सब अच्छा लगेगा आपको कुछ सीखने को मिलेगा और इतना में मैं रोकता हूँ आज ठीक है धन्यवाद